हेलो, देखिए ये हमारी क्या बोलते हैं, डिस्काउंट की क्लास चालू हो रही है और डिस्काउंट में हमारा ये सेकंड नंबर की क्लास है और सेकंड नंबर की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ नया पैटर्न भी है इसमें और जिसमें आपको बताया जाएगा बहुत सारी बातें, ठीक है। और रेशियो पर ही काम करना है, हमें सिर्फ रेशियो पर ही पढ़ाई करनी है और मैथमेटिक्स मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। नोबल स्टडी हमारा जो चैनल है उससे आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु का छपा हुआ मूल्य 900 है, ठीक है। किसी वस्तु का छपा हुआ मूल्य कितना है? 900 है और 900 है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है और 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो क्या कहे दोस्तों कि उसका MRP जो है, MRP उसका कितना है? 900, ठीक है। उसका MRP 900 है, वो कह रहा है कि मैं 40% बट्टे पर इसको खरीदता हूँ। भाई वो 40% डिस्काउंट पर इसको खरीदता है, 40% के डिस्काउंट इसका कितना निकलेगा? 9 चौक 36, 360। 360 रुपये माइनस करेंगे 900 में से तो कितना बचेगा? मेरा बचेगा 540। कहो हाँ, ठीक है। और 540 रुपये में वो 540 रुपये अदा करके, 6 6 3 9, 540 रुपये वो अदा करके इस वस्तु को खरीद लेता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं इस वस्तु को इतने रुपए में खरीद के लाया, अभी तो ये इसके लिए क्या है भाई? SP। लेकिन कस्टमर के लिए क्या बन गया? अगर ये उसको बेचेगा तो इसके लिए बन गया ये CP। CP का काम करेगा। 540 रुपये की चीज़ को कितने बेचा? 900 में, ठीक है। तो कितने का उसको फ़ायदा हुआ? उसको फ़ायदा तो इतने का ही होगा भाई, इतने की लाए, इतने का ही बेचा, तो 360। कहो हाँ। और उसके लिए CP कौन सा है? अब 540 पर बेचा तो 100 पे कितना बेचेगा? ये लो साहब, 18 3 54, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 200 बटे 3। और 200 बटे 3 का जब आप कैलकुलेट करोगे, भाग दोगे इसमें, तो अपना निकलेगा 66.2/3%। ये उसका क्या है भाई? ये उसका लाभ है, ठीक है। 3 6 18, 2 फिर 20, 3 6 18, 2 बचा 2/3, 66.2/3% का उसे क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ होगा। किसको? दूसरे वाले कस्टमर को, दूसरे वाले ये हमारे इस व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है किसी वस्तु का MP, किसी वस्तु का MP, किसी वस्तु के MP पर अगर 2 सही 1/2% का अगर उसे डिस्काउंट दे दिया जाए, अगर 2 सही 1/2% का डिस्काउंट दिया जाता है, व्यक्ति ने उस वस्तु को 39 रुपये 39 रुपये में ख़रीदा, तो वस्तु का MP ज्ञात करें, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, डिस्काउंट क्या दिया जा रहा है? 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/40। कहो हाँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये MRP है नीचे वाला, और ये मेरा क्या है? ये मेरा डिस्काउंट है। मतलब 40 पर 1 का डिस्काउंट दिया गया तो बच्चा कितना? 40 को मैं मान लूँ MRP, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 1 का, तो चीज़ कितने की हो गई? 39 की, 39 की। ये इसका क्या है? ये SP है। कह रहा है 39 रुपये की चीज़ को 39 में ही बेचता हूँ, तो 1 रुपये की चीज़ को मैं कितने बेचूँगा? 1 यूनिट में। कहो हाँ। क्या पूछा है? उसका SP ज्ञात करें। और 1 यूनिट बराबर 1, तो 40 यूनिट बराबर कितना? 40। जो 40 1 यूनिट बराबर 1, अगर 40 में अगर 1 का इंटू करोगे तो MRP कितना निकलेगा? 40 निकलेगा। ये इसका क्या आ गया? ये इसका MRP आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन ना, कुछ नहीं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के एमआरपी पर एक दुकानदार 5% के दो क्रमिक बट्टे देता है, वस्तु का एसपी ज्ञात करें यदि एमआरपी 80 है तो। ठीक है भाई, देखो चाहे तो आप इसके लिए सक्सेसिव लगा दो या फिर एमआरपी को मान के, अगर हम एमआरपी को 80 मान लें तब भी हमारा काम हो जाएगा। देखो मान लो कि एमआरपी मेरा कितना है, एमआरपी माना क्या है वो तो दिया ही है 80, कह रहा है कि 5% का बट्टा दिया रहता भाई, अगर 5% की छूट दूंगा तो 8 पे 40, देखो 10% कितना होता है 8, और 5% कितना होगा 4, 4 को माइनस करोगे तो कितने की चीज़ होती है 76 की, ठीक है 76 की, और 76 की चीज़ पर उसने कितने का बट्टा दिया आपको, 5 का बट्टा फिर दिया भाई, और 5 का बट्टा दिया उसने कितने का दिया, 5 का बट्टा फिर दिया, और 5 का बट्टा 76 पर क्या होता है, 76 पर 5 का बट्टा लो साहब, ये काटा 20, ठीक है 20 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, देखो इससे किया तो मैंने कितना आ गया 20 से किया तो मेरा आ गया कितना 20, और 20 60, ठीक है कितना बच गया मेरा 16, और 20 छक्का, और 20 अट्ठे 160, 38, ठीक है कितना बच गया मेरा 3.8, 3.8, और 3.8 को अगर मैं इसमें से लेस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, मेरा बचेगा 72.2, 72.2, ओके इतना ही बच्चा। देखो 8 को ऐड करूँ कितना हो गया 3, और 3 और 3 6, तो 72.2 मेरा क्या निकल आया, मेरा एसपी निकल आया भाई, पूछा क्या है आपको तो एसपी ज्ञात करें, एसपी कितना आ गया मेरा 72.2, यही मेरा आंसर है। सक्सेस जिप पर करना चाहते हो सक्सेस जिप पर कर लो, कह रहा है 5% का बार बार डिस्काउंट दे रहा है वो बट्टे पर बट्टा। देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, सॉरी ये तो पहला तरीका, ये पहला, ये बेसिक, ये दूसरा, 5% की फ्रैक्शन होती है मेरी 20 से 19, और 20 से फिर मेरा कितना 19, ये कितना हो गया 400, ये 361, और 400 ये क्या है एमआरपी, ये क्या है मेरा एसपी, 361 400 बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर मेरा क्या होगा 480 बटा 400, ठीक है कैंसिल आउट कर लो कितना गया 5, 1 यूनिट बराबर मेरा 5, तो मेरा क्या निकालना मुझे एसपी, एसपी कितना है मेरा 361, 361 अपॉन 2 से भाग दोगे लो साहब 2, ठीक है 5 7 35, 1 बचा 5 2 10, 5 2 10, और मेरा कितना आ गया 72, मेरा 0.2 मेरा आंसर है, ठीक है। तो आप इस पर सक्सेसिव वर्ब भी लगा सकते हो, सक्सेसिव कंसेप्ट से भी कर सकते हो, और बेसिक जो तरीके हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट के समतुल्य है, 20% और 10% की क्रमिक छूट के समतुल्य है, किस छूट के समतुल्य, मतलब एक टोटल बताना है आपको, कि देखो पहले उसको छूट कितनी दी गई 20% की, फिर 10% की, अच्छा अगर उसे 20% की छूट दी गई तो 5 से 4, और फिर 10% की छूट 10 से 9, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 36, ओके छूट कितनी दी गई भाई, छूट कितनी दी गई उसके 14 की दी गई, कितने पर 50 पे, तो 100 पे कितनी होगी 50 दूनी 100, और 14 दूनी 28, 28% उसको क्या दिया गया छूट दी गई, ठीक है। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को,
हेलो। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर चुका है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाए, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो है, अगर वो दोगुना कर दिया जाए सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु अगर 25% के लाभ पर बेची जाती है। देखो सीपी, अगर सीपी मेरा 100 है, वो कह रहा है मैं 25% का लाभ कमाना चाहता हूँ। अगर मैं 25% का लाभ कमाना चाहता हूँ तो चीज़ को कितने बेचूँगा, 125 में, और 125 ही मेरा क्या है, एसपी है, यही मेरा विक्रय मूल्य है। कह रहा है कि अगर मैं इसको दोगुना कर दूँ, अगर मैं इसको दोगुना कर दूँ तो दोगुना कर दूँ तब मेरा क्या होगा भाई, तब मेरा लाभ क्या होगा। अगर मैं इसको 2x कर दूँ तो कितने का हो जाए, ये 2x कितना हो जाएगा मेरा, 125 का दोगुना होता है मेरा 250। कहो हाँ, तो मेरा लाभ बताइए। अगर इसे हम दोगुना कर दें तो लाभ कितना होगा भाई, लाभ देख लो, 100 की चीज़ को 250 रुपये में बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ, 150 का कितने पर, 100 पर, तो 100 पर क्या होगा, 100 पर भी मेरा 150%, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चीज़ों को समझते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने अपने माल को सूची मूल्य से आधे दामों पर बेचा, ठीक है, और इस प्रकार बट्टा दिया कि उसे 20% की हानि हुई। यदि सूची मूल्य पर बेचा जाता तो अभिलाभ बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल को सूची मूल्य से आधे दामों पर बेचा जाता है, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, देखो सीपी अगर 100 है, 20% की हानि, तो चीज़ कितने की बेची होगी, 80 में, कहो हाँ, 80 में उसने चीज़ को बेचा। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि यदि कह रहा है कि बेचा जाता और इस प्रकार बट्टा देता है, 20% की हानि होती है, यदि सूची मूल्य पर ही बेचा जाता, अगर कह रहा है कि सूची मूल्य को आधा कर दिया जाता तब उसे 20% की हानि होती है। अभी ये आधा है तो पूरा कितना होगा, इसका दुगना मतलब 2x, ये कितना हो जाएगा, 160। कहो हाँ, हो गया कितना, हो गया एमआरपी इतना हो गया। कह रहा है 20% की हानि, तो सूची मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा भाई। देखो कह रहा है 100 रुपये की चीज़ को अगर उसने 160 रुपये में देकर, अगर इतने में ही बेचा जाता, कितने में बेचा जाता, जितना है उतना ही बेचा जाता, तो 160 में बेचता तब उसे फ़ायदा कितने का होता भाई, तब उसे फ़ायदा होता 60 का। तब उसे देखो 100 रुपये की चीज़ को 160 में बेचा, फ़ायदा कितने का होता, 60 का, कितने पर, 100 पे। तो 100 पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, मतलब 60% का फायदा होता उसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक दुकानदार कैमरे के एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देता है, यदि कैमरे का सीपी 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का एमपी बताइए। चलो देखो, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छी किस्म के सवाल हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहिए, और मैं बेसिक से करा रहा हूँ, पूरा बेसिक भी ले रहा हूँ, और हमारा जो रेशियो मेथड है मैं उसी पर सारे के सारे सवाल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक दुकानदार कैमरे के एमआरपी पर 10% की डिस्काउंट देता है, यदि कैमरा का सीपी कितना है, इतना है तो 20% का लाभ होता है। देखो एमआरपी सीपी और लाभ हो रहा है एमआरपी पर, तो लाभ कितने का हो रहा है, 30% का, 20% का लाभ हो रहा है, तो चीज़ कितनी की होगी, 120 की, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10 का। लो साहब, ठीक, ये बनता कहाँ से, देखो ये आता कैसे है, देखो होता क्या, एक फॉर्मूला है छोटा सा, एमआरपी अपॉन सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट, ये रहता है इसका निचोड़।
ठीक है, तो 100 में मैंने प्रॉफिट को जोड़ा, लाभ को 120, तो एमआरपी मेरा कितना आ गया, 120 आ गया। सीपी में मैंने डिस्काउंट को हटा दिया क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सीपी पे घटता है, तो कितना आ गया, 90। ठीक है, चलो इतना आ गया। लो साहब कैंसिल आउट कर लो, ये किया ये किया, ये लो, कह रहा है कि सीपी कितना है मेरा। अब कह रहा है सीपी मेरा 600 है, तो पूछा क्या है मेरे, पूछा है मुझे एमपी। 3 यूनिट के बराबर 600, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 200, और एमआरपी मेरा है इतना, तो 200 का इनटू कर दो 4 में, कितना निकल आया, 800 मेरा क्या है, 800 मेरा एमआरपी आ गया, 800 मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉप कीपर, एक कह रहा है कि एक शॉप कीपर किसी वस्तु को एमआरपी पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि एमआरपी मूल्य 500 है तो उसका सीपी ज्ञात करें। देखो, एमआरपी पर 10% की छूट दी, एमआरपी और सीपी, कह रहा है 10% की छूट दी, छूट किस पर थी, सीपी पर, कितने की दी उसने, 10% की छूट देता है 90, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाता है, 120। फिर से वही, कह रहा है एमआरपी कितना है मेरा, एमआरपी मेरा 500 है, उसका सीपी ज्ञात करें, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 125, 125 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 125 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 375, और 375 ही मेरा क्या है, सीपी है, यही मेरा आंसर है, नोट करें। ठीक है, तो ये बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, और धीरे धीरे करते जाइए और होता चलेगा। ठीक है, चलो सीट चेंज कर ले थोड़ी सी। ठीक है, ये वाला सवाल भी हो गया मेरा, और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट देकर 21% का लाभ लेता है, समझे, तो उसका एमआरपी उसके सीपी से कितना अधिक है। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, कुछ नहीं है इन पर, बस आप पढ़ते जाइए, किसी भी किताब को लगा लीजिए, आप 10 बार लगा लीजिए कम से कम उसको। ठीक है, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँगा, एक एक काम करूँगा मैं आपके लिए, स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपको एक वीडियो तैयार करके दे देता हूँ, आप उस हिसाब से पढ़ते रहिए, जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, मैं सारी किताबों के नाम लिख दूँगा एक तरफ से, जैसे एसएससी के स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, जो हमारे स्टेट लेवल के वन डे एग्जाम जो देते हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक दुकानदार एमआरपी पर 12% की डिस्काउंट देकर 88, 21% का लाभ, 121, तो उसका एमआरपी उसके सीपी से कितना अधिक है। ठीक है भाई, 11, 8, 88, 11, कितना अधिक है, 3, और 3 किस पर, सीपी पर, 8, इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 300, 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 8 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, अपना आएगा देखो, 8 3 24 3, ठीक है, ये कितना हो गया, 7 8 56 37.5, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कितना अधिक है, 37.5% अधिक है। एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% डिस्काउंट देकर और 30% का लाभ लेता है, अगर वह डिस्काउंट ना दे तो लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है भाई, चलते देखो, 1170 लेने की जरूरत नहीं है, इसमें परसेंटेज पर ही काम हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट देता है 90, कहो हाँ, और 30% का लाभ लेता है तो 130। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो 130 की चीज को 130 में ही बेचेगा। ठीक है,
कितने का फायदा हुआ उसे? 40 का। कितने पर? 90 पर। तो 100 पे कितना होगा भाई? देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट करो और इसको कर सकते हैं हम कितना, 400/9, ठीक है, 9 चौक 36, और फिर से 4 आया कैरी, तो 9 चौक 36, ठीक है, तो कितना बचा? 36 4/9 प्रतिशत, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है, अगर उतनी चीज उतने ही मूल्य में उतनी ही चीज़ को बेचता है, तो उसका यही मेरा उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, 44 से ही 4/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का MRP 42% से घटर जाए, उसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पुनः मूल्य पर प्राप्त कर सके? अच्छा, MRP 42%। देखो, मान लो कि मेरा MRP कितना है, मेरा MRP 100 यूनिट है, अगर मैं 42 इसमें से घटा दूं तो SP मेरा कितना हो जाएगा? SP मेरा हो जाएगा 40, 58, और 58 घट के मेरा कितने बेची चीज़, 58 में। वो कह रहा है कि, वो फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पुनः, मतलब इसी दाम पर फिर से पहुंचना है, कितना बढ़ा दूं मैं? बढ़ाना तो भाई 42 ही पड़ेगा, लेकिन अब किस पर कैलकुलेट होगा? 58 पर। तो 100 पे कितना होगा भाई? देखो, ये कितने से कटा? 21, ठीक है, ये 29, ये कितना हो गया? 21 0/29, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़े से मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। देखो, ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वाली सवाल है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट में हमको कैलकुलेट करना है 42 72%। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, 29.58। डी मेरा कितना है? 52.5%। ठीक है, देखो चार ऑप्शन है हमारे पास। देखो, इस टाइम आप एक काम कीजिए, अगर 29 से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप मान लो कि इसको आप 30 मान लो, फिलहाल मान के चलो, आप 30 से कैलकुलेट करोगे 100 पर, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना आएगा ये मेरा, कितना आएगा? इतना, ठीक है, और ये मेरा कैलकुलेट होगा तो 7 21, मतलब 72, 72 ये मेरा 71 के तकरीबन आएगा, 3 7 21, तो 7 मेरा पहला नंबर कितना निकला? मेरा 7 निकला, ठीक है। तो देखो, इस ऑप्शन में जाके चेक करो कि अप्रॉक्सीमेट निकालते कैसे हैं। अप्रॉक्सीमेट आप एक अंक को बढ़ा लो, यहाँ पर 30 कर लो, और 30 से आप कैलकुलेट करोगे लगभग इतने की तकरीबन आएगा, इसमें भाग दोगे तो, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो इतना निकाल लो। अरे सो, हाँ, ये तो हमने यहीं पर कैलकुलेट कर लिया। अरे सॉरी, इसको मत लगाइए आप, ये तो मैंने यहीं पर लगा दिया था 21 पर, इसका कैलकुलेशन तो यही हो गया था। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 72 तकरीबन आएगा, ठीक है, 7 21 0। तो हमें ये चीज़ चेक करना है कि हमें इसमें देखना है, देखो 4 तो आ नहीं रहा, ना तो 29 है ना तो 59, तो मेरा आंसर कौन सा होगा? 72% मेरा आंसर होगा, तो यही मेरा आंसर है, कौन सा? 72%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीद कर 3 वस्तुओं को फ्री देता है, ये सवाल ठीक ठाक है थोड़ा, ठीक है। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीद कर 3 वस्तुओं फ्री देता है, अगर वह 20% का डिस्काउंट देता है और फिर वह 25% का लाभ कमाता है, तो CP और MRP का अनुपात बताइए। देखो, इस सवाल को करने के लिए पहले तो हम बेसिक से चलते हैं। देखो, 5 आर्टिकल के साथ उसने 3 आर्टिकल उसने क्या दिए, ये उसने फ्री दिए, ठीक है। तो वो अपने लिए तो कम से, देखो, वन सीपी की कीमत मान लो कि 100 रुपये, मान के चलो आप इसको, ठीक है, लेकिन वो लेकर कितना आया भाई? वो लाया तो 8 वस्तु होगा ना, अगर 8 वस्तु लेकर आया तो चीज़ कितने की होगी? 800 की होगी। कह रहा है कि वह 25% का लाभ कमाता है, अगर 800 पे अगर वो 25% का लाभ कमाएगा तो 200 बनेंगे,
25 अट्टे 200, ये तो चीज़ कितने की, 1000 की हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दिया उसने, डिस्काउंट दिया उसको 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट क्या होता है, 5 से 4, और 4 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितना, 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 250। ठीक है, और यही तो मेरा एमआरपी है। ठीक है, क्या पूछा उसने फिर मुझे, सीपी और एमआरपी का अनुपात बताइए। तो सीपी तो मेरा कितना है, 100 रुपये था एक वस्तु का, 250 है, तो एक का कितना है 100, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 5 × 10 और 5×5 25, तो 5:2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा हम सक्सेसिव कंसेप्ट पर भी चलते हैं, उससे भी करके देख लो। देखो 20% का लाभ दिया, 25% का लाभ 125, एमआरपी सीपी कितना है, डिस्काउंट कितने का दिया 20 का, तो 80। ठीक है, वो चीज़ें कितनी खरीद के लाया, 8, और कितना बेच रहा है, 5, 3 तो फ्री दे रहा है लेकिन बेच कितना रहा है, 5 का कीमत ले रहा है ना वो आपसे, 8 का करेंगे तो 10, ये किया तो कितना 25, तो हम लिख सकते हैं कि 25/10, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5:2, ये सक्सेसिव से भी हो जाएगा, हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे करना चाहो तो उससे कर लो, वो आसान तरीका है, वो ये हमारा जो है वो हमारे एग्ज़ाम के तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का देखो लास्ट सवाल देख लो, आज का लास्ट सवाल क्या है, वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है, वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो और कुछ छूट देने के बाद घटकर 12/1/2% लाभ घटकर कितना हो जाता है, 12/1/2% हो जाता है, तो डिस्काउंट बताइए। ठीक है भाई, देखो सीपी मान लो कि सीपी 100 है, अब लाभ घटकर, लाभ तो हमारा देखो बेचने पर ही बनता है, तो एसपी लाभ घटकर अगर उसे लाभ चाहिए 100 से सही 12/1/2, मतलब कि 112.5 कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, लाभ घटकर पहले कितना हो रहा था, पहले हो रहा था उसे 25% का, अब भाई 25% का कराना है तो एमआरपी को मान लो, एमआरपी कितना हो जाएगा मेरा, 125 हो जाएगा 25% बढ़ा के, लेकिन लाभ हो रहा है 112.5। ठीक है, कितने का प्रॉफिट, कितना डिस्काउंट दिया उसने, 12.5 का, किस पर डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, एमआरपी पर, तो 125 × 100, इससे इसको उड़ाया। ठीक है, जीरो से जीरो, अगर जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाई तो 10 बचेगा, और 10 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आंसर, 10%। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने, 10% का उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो अपनी पूरी कंप्लीट कर दी है, आज के सवाल मैंने सारे करवा दिए, लगभग 12-13 सवाल थे, आज 12-13 सवाल करवा दिए, और कल की अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें कुछ एडवांस लेवल के सवाल रहेंगे, वो भी मुझे कल कंप्लीट करवाना है। ठीक है, आप इस चीज़ को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपका पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और एक प्रैक्टिस बैच और ला रहा हूँ, प्रैक्टिस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी देखना, उसमें भी बहुत सारे आपको सवाल करवाऊँगा। ठीक है, ओके।